नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्या। तो आज हम बात करेंगे मालिका भविष्यवाणी के बारे में। पंचसखा युग की बात है, उस समय संत अच्युतानंद दास ने भविष्य के बारे में बहुत सारे बातें लिखे थे। आगे चल के कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग के अंतिम कालखंड में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, खाले इतना ही नहीं कल की अवतार के बारे में भी काफ़ी कुछ विस्तृत में जानकारी दिया गया है मालिका ग्रंथ में। तो फिर आज का हमारा विषय इसी पर है। हम पहले तो जानेंगे कल की अवतार क्या है, कब होगा। उससे पहले अवतार क्या है, इस विषय में जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के प्रसारक बाबा दिवाकर दास महाराज। बाबा जी, आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। तो फिर बताइए, दर्शक हम जानना चाहते हैं कल की अवतार क्या है, और उससे पहले बताइए अवतार क्या है। जय जगन्नाथ। सभी भक्तों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अवतार के बारे में आपको वो पहले मैं बताऊंगी। सत्यव, जो आपने बोला, जो मेरे लिए जो प्रश्न रखी आपने, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही बात बताई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सुजाम्यहम परित्राणाय साधुन विनाशाय तदुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोग सभी जानते हैं, जब भी धर्म का क्षय होता है और धर्म का वृद्धि होता है, तो इसलिए भगवान आते हैं और दुष्ट की नाश करने के लिए आते हैं, और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, युग युग में जन्म लेते हैं। तो भगवान पहले जो चार युग है, सत्य, तृतीया, द्वापर और कली कली, हम सभी लोग जानते हैं। सत्य युग में भगवान का पांच अवतार, मीन, कश्यप, वराह, नृसिंह और वामन। तृतीया युग में दो अवतार, परशुराम और राम। द्वापर युग में एक अवतार, वो है बलराम के अवतार। और कलयुग में दो अवतार होंगे भगवान, एक बुद्ध और एक है कल्कि। अच्छा, तो कल्कि अवतार के बारे में तो हम जरूर आपको बताएंगे, कहाँ जन्म लेंगे कल्कि, क्या वो जन्म ले चुके हैं, वही आपको वीडियो में हम जरूर बताएंगे। लेकिन अभी आपने पूछा अवतार के बारे में, तो जब भी दुष्ट को विनाश करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, तो वही कलयुग में कल्कि का प्रकट हो। तो हम जब देखेंगे तो सत्ययुग में दुष्ट था बलि, और वो ब से अक्षर से प्रभु आगे वामन के रूप में। तृतीय युग में जो दुष्ट था रावण, उसको विनाश करने के लिए वही अक्षर से राम आगे और द्वापर युग में दुष्ट था कंस और उसको नाश करने के लिए वही अक्षर से आगे कृष्ण। और कलयुग में भाई कल्कि का अवतार होंगे, ये कली का नाश करने के लिए। जो कली होता है ना, सभी लोग घर घर में अभी जो चल रहा है अभी, तो वही दुष्ट के विनाश करने के लिए, म्लेच्छ को संहार करने के लिए एक अवतार होने वाले हैं भगवान की, वही है कल्कि अवतार। तो प्रभु कल्कि अवतार में आएंगे, ये बात सूचना मालिका में है। प्रभु हमारे यहाँ उड़ीसा में, आप जान के बहुत आनंद होंगे, जो बाहर उड़ीसा के लोग बाहर रहते हैं, हमारे यहाँ उड़ीसा के जो भक्त है, जगन्नाथ की भक्त, उनका नाम है हरिदास। उसने बहुत अच्छा सा मालिका लिखा, जे अगले जन्म में वो अच्युतानंद ही थे, वही हरिदास हो गए, जो हमारे अच्युतानंद क्या लिखे हैं। बाहर उत्तराखंड की कथा हम कहेंगे, जो हरिदास उत्तराखंड में लिखा है, जो बारिश होने वाला था, हम भी त्रासदी हुआ था 2013 की शायद बात कर रहे हैं, 83, वही हरिदास हमने वीडियो बनाए थे केदारनाथ में, वही आप जो हमारे दर्शक बाहर देख रहे थे, हम भूल कर बैठे, मैं मानूंगी हमारे भूल हो गए कि हम उड़िया में बनाए। जब वो उत्तराखंड की कथा को हम जब हिंदी में बनाते, तो बहुत सारे भक्त लोग चाहे बच जाते जी, बिल्कुल, क्योंकि मालिका में लिखा था उत्तराखंड में वो बारिश इतने आने वाला, बाढ़ इतना आने वाला है, बहुत सारा लोग मर जाएंगे, वही हरिदास लिखा था।
उड़िया में, वो पद को हम आपको सुनाएंगे जी जी। क्या लिखा था यहाँ पर, और एक बात भी सामने आता है। हाँ। मतलब आज से 500 साल पहले लिखा गया था मालिका। हाँ। हजारों के लाखों की संख्या में लिखा गया है मालिका। हाँ। और उस समय देखिए मतलब उत्तराखंड का राज्य का उत्पन्न नहीं हुआ था। हाँ। विस्तार नहीं हुआ था। उत्तराखंड जो राज्य बना वो काफी बाद में बना, ठीक, लेकिन उस समय भी उन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड कैसे लिखा था, क्योंकि वो आगत दृष्टा है, वो भविष्य के बारे में सब जानते हैं। वही तो उड़ीसा में बहुत सारे जिला सृष्टि हुए नहीं थे, वो अच्युतानंद महापुरुष ने वही जिले के बारे में बताए, तो वही बात ही लिखे थे। वो क्या लिखा था हमको आपको सुनाने वाले हैं, उड़िया की पद है लेकिन आपको हिंदी में हम जरूर सुना लेंगे। पहले हम उड़िया भाषा में सुनेंगे, उसके बाद में हिंदी में उसका भाषा। हरिदास लिखे थे, क्या लिखे थे हरिदास ने, बोले उत्तराखंड रे पूर्णी बरसा होइबो, बहु भक्त प्राणी तो ही नाश जे होइबो। बहु भक्त, ये उड़िया में लिखा है, बहुत सारा भक्त, इतना बारिश होगा, प्रलय होगा, जो बारिश में सब क्या होगा ना, ध्वस्त हो जाएगा, सभी ध्वंस के बारे में बताए थे उड़िया में, इस लिखा था। ये आजकल की कथा नहीं, ये उत्तराखंड तो सृष्टि होने वाले ये बाढ़ के बारे में 600 साल के पहले वही लिखा था, उसका सूचना उन्होंने दे दिया उत्तराखंड के बारे में। और भी जो देश देश में विवाद होने वाला है, जो अभी हो रहा है देश के देश में, वही भी लिखा है। क्या लिखे थे वो, देश के जो युद्ध हो रहा है आपके, अब देखे हैं सत्यबाबू, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ, ये युद्ध भी अच्युतानंद महापुरुष ने लिखा था जी। क्या लिखा था, उड़िया के पद आपको सुनाए थे, क्या लिखा था अच्युतानंद, उड़िया के पद है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आप देखिए सुनिए कि मालिका में खाली उड़ीसा के बारे में नहीं लिखा गया है, समग्र देश के बारे में लिखा गया है, भारत देश के बारे में लिखा गया है, भारत देश में बने हुए विभिन्न राज्यों के बारे में भी लिखा गया है। खाली भारत देश के बारे में ही नहीं, पृथ्वी में जितने भी छोटे बड़े देश हैं उनके बारे में भी लिखा गया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो USA हो, अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन है, तो सभी बड़े और छोटे राज्य देश के बारे में भी मालिका में लिखा गया है। आइए बाबा जी सुनते हैं क्या लिखा है मालिका की वो उक्ति, मालिका की वो पद, बताइए। पहले हम उड़िया में सुनेंगे, इसके बाद बाबा जी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। क्या लिखा है, ग्रंथ का नाम है जाई फुला मालिका जी, जाई फुला मालिका, महापुरुष अच्युतानंद वही लिखा है। भयंकर युद्ध हेब, भयंकर युद्ध हेब, देश देश मध्य गोल हो बोलो जाई फूल, यही कथाटी अटई ध्रुव, यही कथाटी अटई ध्रुव। सत्यबाबू देखिए आप, ये उड़िया का पद है जो 600 साल के पहले लिखा था अच्युतानंद महापुरुष ने। ये देश देश में इतना सारे विवाद होंगे, युद्ध होगी, बहुत सारा देश आपको बता रहे हैं अगले भविष्य तो हो गए, तो होने के बाद कहने से मतलब क्या है आप बताएं, इनके सब कमेंट के बारे में कमेंट में आप बताएंगे कि तो वो तो हो गया, उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं अभी? क्यों बोल रहे हैं? तो आपको अभी अच्युतानंद महापुरुष 600 साल के पहले जो लिखा है वही पद को आपको सुनाएंगे कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो 600 साल पहले लिखा है तो क्या घटना है ना। बहुत सारा देश अच्युतानंद महापुरुष ने लिखा है, अपनी वर्ल्ड की जो हमारे मैप है, पूरे विश्व की जो हमारे मानचित्र है वहां से वो देश क्या होगा, मिट जाएंगे, उसका नाम निशान मिट जाएगा। बहुत सारा देश है जो अच्युतानंद महाशय वो लिख कर रखिए आप, ये भी लिखा है, बहुत सारा देश मानचित्र से आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्युतानंद महापुरुष लिखा है, बहुत प्रलय होगा और युद्ध होगा, वही देश मानचित्र से मिट जाएगा, ये भी लिखा है अच्युतानंद महापुरुष। और सारे देश में जो अभी हलचल मच रहे हैं युद्ध के बारे में, जो लोग कौन से साल किस देश के साथ युद्ध हो सकता है ये किसी को पता नहीं, तो युद्ध के बारे में लिखा है, भयंकर युद्ध उड़िया में लिखा है, देश देश में बहुत सारा युद्ध होगा, लेकिन जब भी भारत देश के साथ जो भी लड़ेगा उसका क्या होगा आपको बता देंगे हम। महापुरुष अच्युतानंद लिखा है 2000
5 के बाद जो भारत देश से लड़ेगा वो भारत के जो देश भारत से लड़ेगा वही देश हारेगा। भारत को कौन सी देश अभी जो भारत के साथ युद्ध करेंगे वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं हम क्या लिखा है महापुरुष अच्युतानंद, क्योंकि भारत में जो भी जो देश भारत के साथ युद्ध करेंगे करेंगे वो मिट जाएंगे, वही लिखा है। नाम निशान हमेशा के लिए हमेशा के लिए मिट जाए 2005 के बाद, हरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पर, तो यही बता रहे हैं नहीं सकते। 2005 के बाद अच्युतानंद महापुरुष ने लिखा है जो भारत के साथ युद्ध करेंगे वही देश मिट जाएंगे। और चीन के बारे में भी अच्युतानंद महापुरुष लिखा है जो उसको विश्वासघातक बोला है। देखिए उड़ीसा के बारे में नहीं, भारत के जो बात बता रहे थे भारत के बाहर के देश के क्या लिखा है, बारे में क्या लिखा है वही बात हम बता रहे हैं कि बहुत सारा देश मिट जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे? जो भारत से साथ युद्ध करेंगे वही देश मिट जाएंगे। और लिखा है चीन के बारे में क्या लिखा है ना, चीन विश्वासघातक अटोई चिन्ह। ओडिया में जो लिखा है विश्वासघातक अटोई चिन्ह, इसका मतलब है चीन से बड़ा विश्वासघात और कोई नहीं हो सकता है। पहले भी कर चुका है, आगे भी करेंगे, लेकिन पहले कर चुका है वो बात अलग था और आगे करेंगे तो खुद उल्टा पड़ जाएगा उनको। यही मालिका में लिखा है, वही मालिका में लिखा है जो बहुत सारा लोग हमको सुन रहे हैं वही हम मालिका के आगे ले भविष्य बता रहे हैं आपको। जो मालिका में लिखा है भारत ऐसे ही देश है जो शांति प्रिय है, जो शांति को चाहता है। और ये भारत जो भारत की अक्षर है भारत, वो भाव से रथ है, सभी को भाव देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। लेकिन वही भारत के साथ वो भी जो युद्ध में आएगा वो देश मिट जाएगा, वही मालिका में लिखा है। और चीन के बारे में भी लिखा है और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान बारे में लिखा है बहुत सारे, क्योंकि वो लिखा है सभी देश, देश के बारे में जो इस्लाम संप्रदाय के देश है भारत के साथ युद्ध करेंगे, मिलकर युद्ध करेंगे, वही भी लिखा है। 13 इस्लामिक देश जी, वही लिखा है मालिका में 13 इस्लामिक देश भारत एकजुट हो गए भारत के खिलाफ रण छेड़ देंगे। हाँ, लेकिन उनको भी उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, यही तो मालिका में लिखा है। जो 2005 के बाद पहले भी युद्ध कर रहे होते जो हम इंग्रेज के शासन में थी, लेकिन भारत पराजय स्वीकार करना पड़ा। चीन में भी भारत हारा है आप जानते हैं, लेकिन 2005 के बाद जो भारत से भारत के साथ युद्ध करेगा वही पराजय स्वीकार करेगा, भारत को जीत नहीं पाएगा। लेकिन 2005 के जो आप बात करें 2005 में से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? मतलब 2005 के बाद ऐसे आप जो बोल रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा उसके और अग्रसर होगा, वही में हम बताएंगे। तो मालिका में लिखा है तो इसे लीडर भारत में 2005 के बाद आएंगे, अगले अगले देश में जो लोग जो भारत के साथ टक्कर नहीं दे पा रहे हैं तो उससे ही समृद्ध 2005 से समृद्ध आने वाला है। तो कौन सी पार्टी में हो वो हमको वही वो तो अलग बात है, अलग बात हम है, राजनीति यहाँ पर नहीं नहीं करेंगे। मालिका में जो लिखा है वही बात करेंगे जो लीडर होगा, लेकिन भारत 2005 के बाद समृद्धिशाली हो जाएगा और उसके बाद तो चलेगा वही राष्ट्र धीरे 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 हमारे ये राष्ट्र तो समृद्धि हो जाएगा। जब युद्ध के टक्कर और शत्रु देश को टक्कर देने वाले में ऐसी क्षमता हासिल करेगा, ये हम नहीं मालिका बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो भारत के तो हम देख रहे थे पिछले दिन के तो यूक्रेन से जब भी हमारे जो स्टूडेंट आए हैं, पाकिस्तान से भी स्टूडेंट आए, हमारे त्रिरंगा के लेके आए हैं, इससे क्या बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे देश के, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है क्या कि हमारे त्रिरंगा को मतलब देश में एक जो अभी जो दौर चल रहा है पाकिस्तान राष्ट्रवाद की दौर चल रहा है। हाँ, वही भी हम भी बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो अवतार के जी हमारा जो मुख्य प्रसंग था अवतार के बारे में, अवतार में तो भटक गए तो ये तो चलता रहे, मतलब मालिका में इतने सारे लाखों की संख्या में किताबें लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, तो कितने सारे प्रसंग तो सामने आएंगे, सामने आएंगे। हमारे दर्शकों को भी कमेंट देकर आप बताए, हमारे प्रोग्राम के बारे में बताए क्या सुनना चाहते हैं मालिका, बिल्कुल बिल्कुल, वही भी हम कौन सी जगह से सुन रहे हैं आप ये भी बताए, हमको अच्छे लगेंगे। और आप क्या सुनना चाहते हैं मालिका में, क्या
अगले 600 साल के बाद होगा और 600 साल के पहले लिखा है जी, ये भी मालिका में लिखा है जी, जी, 1000 साल के बाद क्या होगा वो भी लिखा है, वो भी लिखा है, लिखा है। सही बात। सभी हम धीरे धीरे आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे बिल्कुल, और उड़िया के जो पद है उसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो वही मर्त्य में भगवान आएंगे, कल्कि के रूप में आएंगे, उसका क्या वर्ण चिन्ह होगा वो भी आपको बताएंगे अगले वीडियो, मतलब कब जन्म लेंगे, हाँ, कहाँ जन्म लेंगे, हाँ, और उनके शरीर में क्या क्या ऐसे संकेत देखने को मिलेगा, हाँ, वो सब चीजें जो है आप बताएंगे अगले वीडियो में। जरूर जरूर, हमारे जो दर्शक है उसको जरूर बताएं। स्वामी जी बहुत बहुत आभार, जितने भी तारीफ किया जाए उतने ही कम, बहुत सुंदर आपने तत्व प्रदान किया हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी को, बाबा दिवाकर दास महाराज जी को। तो बाबा जी का ये मानना है 2005 के बाद भारत से जो टक्कर देगा उसको बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, अब वहां से विश्वगुरु बनने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। तो आपके मन में यह आ सकता है कि 2005 में ऐसा क्या हुआ है, तो ये सब चीजें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। खाली इतना ही नहीं, मैं तो इतना आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मालिका में यह भी लिखा है, पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूँ, 1999 से लेकर 2029 तक, इसी के इस 30 साल के बीच में 72 बड़े और छोटे युद्ध भी होंगे। आपने देख चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ से अमेरिका और पालेस्टाइन के बीच में हुआ था, अमेरिका और सीरिया के बीच में हुआ था, यहाँ पे फिर अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, इराक और ईरान के बीच में भी युद्ध हुआ है। तो वहाँ से 1999 से लेकर 2029 तक 72 छोटे और बड़े युद्ध भी होंगे। आगे चल के आप ये भी आपने देख लिए, इस साल की बात है, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी भयंकर युद्ध हुआ, तो फिर युद्ध का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये सब चीजें भी तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी जा रहा है, तो फिर जुड़े रहिए, हम मालिका में आपको बताएंगे और महापुरुष ने क्या क्या लिखे हैं, संत अच्युतानंद दास जी ने और भी क्या क्या चीजें लिखे हैं भविष्य के बारे में, कलयुग के बारे में, कलयुग के लक्षण के बारे में और कल्कि अवतार के बारे में। कैसा लगा आपका वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में आपका मत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय जय पंचका।